ये यहाँ पे मैं मुहर्रम की नियाज बनाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में लाइव गुजार रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। ये हो रही है जी मुहर्रम की नियाज बनाने की तैयारी। यहाँ पे ये मैं बना रही काले चने, भुने हुए काले चने। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं डालूँगी जी इसमें रेड चिली पाउडर, साथ में डालूँगी हल्दी पाउडर, साथ में नमक। इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा। दो चम्मच इसमें जाएगा दही के। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और मिर्चे, दाल को अच्छे से मैं भून लूंगी। ये दूध एक चूल्हे पे बॉयल हो रहा है और साथ ही आलू की तरकारी के लिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। बस रात में मैंने उबाल के फ्रीज किए थे भुने काले चने, वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें ज़रा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसे दम पे छोड़ दूँगी। बस चने तो पहले से बॉयल है। बस यहाँ पे फिर मैं चनों में चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया। ये देखें कि चने तो ये वाले बिल्कुल डन हो गए हैं। इनको अब बस थोड़ा सा मैं भून लूँगी। ये आलू की तरकारी के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, लहसुन डाला है, साथ में करौंजी डाली है और टमाटर और मिर्चें डाली हैं। मसाला बनाऊँगी अच्छे से और आलू बॉयल करके काट लिए हैं। ये हरा धनिया पड़ा, हरा धनिया भी इसमें भी डालूंगी। चनों को अच्छे से भून लूंगी ताकि मसाला बिल्कुल इसमें ना यकजान हो जाए। ये मसाला बन गया, इसमें ये मैं डाल दूंगी 2-3 टेबल स्पून दही के हैं वो डाल दूंगी। ठीक है, इसको थोड़ी देर पकाऊंगी फिर आलू शामिल करूंगी। यहाँ पे इसको मैंने धनिया के साथ गार्निश कर लिया है। एक डिश मेरी कंप्लीट हो गई है। आलू की तरकारी भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आलू तो चूँकि पहले से बॉयल्ड थे इस वजह से बस मसाला पका के उसमें मैंने आलू शामिल कर लिया। अब मैं इसको बस दम पे रख दूँगी और बाद में इसे धनिया के साथ गार्निश कर लूँगी। 2 डिशेस मेरी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मीठे में सूजी का हलवा मैंने बनाने का सोचा था, तो ये आंटी है मेरे घर जो मेरी हेल्पर आती हैं, ये वो भून रही हैं हलवा। हलवा चूँकि बहुत ज़्यादा था और मुझसे भूना नहीं जा रहा था, मुझे भूना मुझसे बहुत मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने आंटी को कहा था कि आप आ जाना ना। तो उन्होंने माशाल्लाह से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और उन्होंने ही सूजी का हलवा ऑलमोस्ट बनाया था। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle
जाते वक्त उसके लिए।